दमन पर्यटन विभाग द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म दमन डे के या उपलक्ष्य लक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल दमन के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में पर्यटन विभाग ने कई सराहनीय कार्य किए हैं और इसी उपलक्ष्य में एक और कार्यक्रम का आयोजन 27 सितंबर 2019 को मोटी दमन के जेटी पर किया जाएगा। ऐसे में दमन फूड फेस्टिवल एंड कॉमेडी नाइट 2019 कार्यक्रम में बाउंसिंग कैसल, ट्रैम्पोलिन, एंग्री बर्ड्स, डार्ट गेम, बलून शूट, नेल आर्ट जैसे कई एक्टिविटीज के अलावा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जगबीर राठी, प्रताप फौजदार, गौरव शर्मा, सुनील जोगी तथा सुनील ब्यास जैसे प्रख्यात कवि शिरकत करेंगे। बता दें कि दमन के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा आए दिन इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता आया है, जो कि वाकई सराहनीय क्या है। है 27 सितंबर 2019 वो वर्ल्ड टूरिज्म डे है और टूरिज्म वर्ल्ड डे है, सब सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारा दमन टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत कम आते थे, जैसे गोवा, दिल्ली, बॉम्बे में आते हैं, चेन्नई में, वैसे दमन में नहीं है। हमें वर्ल्ड का जब मैप में हमारा दमन में आ गया है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रशासन ने इतने अच्छे सी बेल्ट और इतने अच्छे फीचर्स और रोज रोज बड़े कर दिए, अच्छे कर दिए, तो टूरिस्ट आने की शुरुआत हो चुकी है। तो टूरिस्ट का हमने रेशियो निकाला तो 50% टूरिस्ट बढ़ गए, क्योंकि जो जम्पोर बीच एक छोटा था, तो जम्पोर बीच बहुत सुंदर था, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड था, अबाउट 500 मीटर्स में ही था। अभी जो 8 किलोमीटर्स में जो डेवलप हो गया है और देव का भी डेवलप हो रहा है, तो जम्पोर से नानी दमन बीच जो बनाया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है और ब्लू फ्लैग बीच को डिक्लेयर किया है, तो समय में वो भी हो जाएगा। ब्लू फ्लैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग वही बीच हो जाता है जो कि इंटरनेट में मारते हैं, और जो ब्लू फ्लैग होगा तो ही फॉरेन टूरिस्ट आएगा नॉर्मली, बिकॉज इट हैज़ सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन। तो ये किया है, और ये सेलिब्रेट करने के लिए प्रशासन ने एक कवि सम्मेलन रखा है, और बहुत सारे कवीज, अच्छे अच्छे कवीज आ रहे हैं, और यहाँ पे उन लोग हंसाएंगे। तो उसके साथ साथ फूड फेस्टिवल भी किया है प्रशासन ने, फूड फेस्टिवल विद कॉमेडी नाइट। तो नॉर्मली 19 दिसंबर में ही हुआ करता था, क्योंकि वो लिबरेशन डे है और वो नॉर्मली दमन पब्लिक के लिए था। तो फॉरेन टूरिस्ट को और इंटरनेशनल टूरिस्ट और लोकल टूरिस्ट को और गुजरात इंडियन टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आगे बहुत करते रहेंगे, और ये काबिले तारीफ है। पहली बार वर्ल्ड टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। दमन बहुत आगे बढ़ने वाला है, और जम्पोर बीच पे एक चिड़ियाघर भी आ रहा है अबाउट 9 to 11 crores में, और जो हमारा ये है देवका रोड पे सीलिंग जो बन रहा है, सी फेस रोड, वहाँ पे एक्वेरियम आ रहा है, और सिल्वास में भी एक जू आ रहा है। तो ये मेरी बहुत पहले मांगनी भी थी, और टूरिज्म बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, इससे स्कूल्स, टूरिस्ट, जो पिकनिक स्पॉट था दमन, जो 2 दिन के लिए खाने पीने के लिए आया करते थे, तो खाना पीना तो रहता ही है, लेकिन घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं नॉर्मली। तो वी वांट अ पैकेज डील, जब टूरिस्ट रहेंगे पूरे हफ्ते, वीकेंड रहेंगे, तो वो रियल टूरिस्ट स्पॉट होगा, उसमें गांव वालों का, लोकल्स का, बाहर वालों का, गरीबों का बहुत अच्छा फायदा रहेगा। आई विश के इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें।